वेलकम टू माय चैनल द क्यूमिन। मैं हूं सोनाली। आज हम बनाएंगे फिरनी। फिरनी दूध और चावल से बनता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फिरनी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप चावल ले लिया है। ये गोविंदभोग चावल है, वजन में 50 ग्राम्स है। अब चावल को धो लेते हैं। चावल को ज़्यादा मसल के नहीं धोना है। फिरनी बनाने के लिए चावल के अंदर स्टार्च होना ज़रूरी है। चावल को मैंने धो लिया है, अब पानी डाल देती हूँ। एटलीस्ट 30 मिनट्स इसको भिगोना है। 30 मिनट्स हो गया है, अब चावल को स्ट्रेन कर लेते हैं। चावल भीग गया है, अब थोड़ी देर के लिए चावल को सुखाना है। चावल सूख गया है, आप ब्लेंड कर लेंगे। चावल को ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा कोर्स रखेंगे। चावल को ब्लेंड करके ले लिया है। देखिए ये बारीक नहीं है, थोड़ा दरदरा है, सूजी से थोड़ा बड़ा है। फिरनी बनाने के पहले कुछ प्री प्रिपरेशन करना है। पहले इस बोल में पीसी हुई चावल को डाल देती हूँ। अब चावल के अंदर दूध डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, एक तो चावल फूल के तैयार हो जाएगा और दूसरा जब हम फिरनी में इसको डालेंगे तब एक गुठलियाँ नहीं बनेगा। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ये 100 ग्राम खोया खीर है, मैं ग्रेट करके ले लिया है। अब इसके अंदर भी दूध डाल दूंगी, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। मैंने 10 बारा काजू ले लिया है, अब इसके अंदर भी दूध डाल दूंगी। दूध गर्म नहीं है, नॉर्मल है। मैंने थोड़ा केसर ले लिया है, अब इसके अंदर 2 चम्मच दूध डाल देती हूँ। दूध ल्यूकवार्म है। सर्व करने के लिए मैंने मिट्टी की कटोरी ले लिया है। अब इसे 15 मिनट्स के लिए पानी में भिगोना है। ये भीग गया है, अब इसको सुखा लेते हैं। फिरनी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। अब फिरनी बना लेते हैं। दूध डाल देती हूँ। फिरनी बनाने के लिए भारी बर्तन ले लीजिए ताकि फिरनी नीचे से जल ना जाए। दूध को उबाल आने तक इसको कंटिन्यूसली चलाना है। दूध में उबाल आ गया है, अब फ्लेम को रिड्यूस कर देती हूँ। अब डाल देती हूँ 4 इलायची। अब पीसी हुई चावल डाल देती हूँ। अब इसे कंटिन्यूसली चलाना है। फिरनी को कंटिन्यूसली चला के ही पकाना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। 15 मिनट्स लो फ्लेम में इसको पकाना है। 15 मिनट्स हो गया है, चावल भी पक गया है, दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब डाल देती हूँ खोया खीर। थोड़ा चला देती हूँ। काजू दूध में भीग गया है, अब इसको पेस्ट बना लेते हैं। अब काजू का पेस्ट डाल देती हूँ। अब 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। यहाँ पर 1/2 कप चीनी है, वजन में ये 100 ग्राम है,
डाल देती हूँ। एक लीटर दूध की फिरनी बनाने के लिए 50 ग्राम चावल और 100 ग्राम चीनी परफेक्ट रेशियो है। अब केसर डाल देती हूँ। केसर डालने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत बढ़िया आता है। चीनी पानी छोड़ता है, इसलिए इसको 7-8 मिनट तक फिर से पकाना है। 7-8 मिनट हो गया है, चीनी घुल गया है, फिरनी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है। मैंने कंटिन्यूअसली चम्मच को चला के ही फिरनी को पकाया है, नहीं तो फिरनी नीचे से जल जाएगा और गुठलियाँ भी बन सकता है। अब डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर। अब डाल देती हूँ 1 चम्मच देसी घी, इससे फिरनी में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। फिरनी की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। गैस बंद कर देती हूँ। फिरनी थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसको सर्व करूंगी। अब फिरनी को सर्व कर लेते हैं। फिरनी थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए फिरनी कितना गाढ़ा हो गया है। मिट्टी की कटोरी में फिरनी सर्व करने से फिरनी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ऊपर से डाल देती हूँ 1 केसर, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा आमंड। फिरनी बनके तैयार है। अब मैं फिरनी को कवर करके फ्रिज में रख दूंगी एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए। 2 घंटे बाद फिरनी जम के सेट हो गया है। अब मैं आपको कट कर दिखा देती हूँ। देखिए फिरनी कितना अच्छा जम के तैयार हो गया है, बहुत ही क्रीमी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। फिरनी बनके तैयार है। फिरनी बहुत ही टेस्टी, क्रीमी एंड फ्लेवरफुल बनी है। आप प्लीज ट्राई कीजिए। आई होप आपको डेफिनेटली ये पसंद आएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। If you are new to my channel, please इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्लीज दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।